बिग बॉस के घर में अरमान मलिक और उनकी वाइफ्स की एंट्री क्या हुई भाई, हर कोई इस पर अपने रिएक्शन देने लगा। सोशल मीडिया पर तो नेटिजन्स रिएक्शन दे ही रहे थे, लेकिन इस बीच देवोलीना भट्टाचार्य जी, जो खुद बिग बॉस के घर की हवा को महसूस कर चुकी हैं, एक से दो बार घर के अंदर जा चुकी हैं, गेम खेल चुकी हैं, वो अक्सर बिग बॉस को लेकर अपनी राय जरूर देती हैं। सभी कंटेस्टेंट्स घर में जा चुके हैं, तो इस बीच उनका गुस्सा सामने आया है। अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियों यानी कि पायल मलिक और कृतिका मलिक पर। दरअसल बात करें यूट्यूबर अरमान मलिक की, तो सोशल मीडिया पर वो काफी अच्छी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं। हालांकि ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अक्सर ट्रोल करता है, लेकिन वही कुछ लोग हैं जो इनसे सिंपैथी भी दिखाते हैं। अब ऐसे में जब बिग बॉस के घर में अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक की एंट्री हुई, तो देवोलीना का गुस्सा सामने आया। दरअसल लेडी खबरी का एक ट्वीट देखा गया, जिसमें उन्होंने पायल, कृतिका और अरमान की अनिल कपूर के साथ हुई स्टेज कॉन्वर्सेशन को शेयर किया और लिखा, शेमलेस ट्रायो हु डोंट इवन केयर अबाउट देयर किड्स एंड हैप्पीली इनकरेज पॉलीगैमी आर नाउ इन बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। उनका कहना यह था कि भाई ओपनली ये लोग पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं, और इस पर देवोलीना भट्टाचार्य जी का भी अब गुस्सा देखने मिला है। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने लेडी खबरी के उस ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा, आपको क्या लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है? ये बेकार की बात है, इसे हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि ये असल में हुआ है। मैं समझ नहीं सकती कि इस घटिया हरकत को कोई एंटरटेनमेंट कैसे कह सकता है, मुझे तो सुनकर ही बेकार लगा। देवोलीना ने आगे लिखा कि सिर्फ 6 से 7 दिनों में प्यार हो गया, शादी हुई और वही चीज बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हुई, ये मेरी सोच से भी परे है। बिग बॉस ऐसे लोगों को कैसे बुला सकते हैं, क्योंकि इस शो को बच्चे और बड़े हर कोई देखता है। इनकी कहानी नई जनरेशन को क्या बताएगी? क्या हर कोई इस तरह एक ही छत के नीचे खुश रह सकता है? एक्ट्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट और UCC अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। उन्होंने ये भी लिखा कि पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो अरमान मलिक को फॉलो करते हैं, बिग बॉस को ना जाने क्या हो गया है जो ऐसे लोगों को शो में बुला लिया है, इट्स रियली फिल्दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये काफ़ी घिनौना है और ये देखना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आपको बता दें कि देवोलीना भट्टाचार्य जी अक्सर बिग बॉस को लेकर अपने ओपिनियंस काफ़ी खुले तरीके से रखती हैं, ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया का कोई और प्लेटफॉर्म, अक्सर वो इन बातों पर बात करती नजर आती हैं। और जब स्टेज पर अनिल कपूर के साथ पायल मलिक ने अपने साथ हुई उस पूरे वाक्य को बताया, किस तरह से अरमान मलिक ने उनसे शादी की और फिर किस तरह से उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड से शादी की, वो सच में लोगों को हैरान कर रहा है, और उसी पर देवोलीना ने अपना रिएक्शन दिया। फिलहाल आपका देवोलीना के इस रिएक्शन पर क्या कुछ है कहना, आपके बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के इन कंटेस्टेंट्स पर क्या है राय, दैट इज इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।